डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम इंडक्शन का यूज़ करते हुए इसका प्रूफ देखेंगे। तो द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दिस। ये एनसीईआरटी आपकी बुक का क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो इसके प्रूफ के लिए मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू पी ऑफ एन। इसे हम पी ऑफ एन एक स्टेटमेंट मानते हैं, पी ऑफ एन। अब हम सबसे पहले एन की जगह वन सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ही वन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, फर्स्ट टर्म होगी वन, इसका लेफ्ट हैंड साइड। और जब हम एन इज इक्वल टू टू लेंगे तो हमें दो टर्म कंसीडर करना है। जब हम एन इज इक्वल टू थ्री लेंगे तो तीन टर्म लेना है हमें, इस तरह से। और राइट हैंड साइड में एन की जगह वन रखें, टू इंटू वन अपॉन वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका टू बाई टू विच इज़ वन। दिस इम्प्लाइज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस आर एच एस बराबर हो गए हैं। देयर फोर पी वन इज ट्रू, इसलिए पी वन इज ट्रू, जो आपका स्टेटमेंट है वो वन के लिए ट्रू है। अब हम क्या मानेंगे इसको, लेट पी टू पी थ्री पी फोर अप टू पी के बी ट्रू। ये ट्रू है पी टू पी थ्री पी के लिए। के क्या चीज़ है, व्हाट इज के इज अ नेचुरल नंबर। एन भी नेचुरल है, के भी नेचुरल है। तो पी के अगर ट्रू है तो पी के क्या होगा, तो पी के होगा कि इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेके के टर्म्स तक लो, तो वन प्लस वन प्लस वन बाय वन प्लस टू, वन बाय वन प्लस टू प्लस थ्री, ये थर्ड टर्म है। केथ टर्म, केथ टर्म में यहाँ पर एन की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू वॉट, अप टू के इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस वन। इसको हम मानते हैं कि ये ट्रू है। अगर ये मान लिया कि ये ट्रू है तो इसको नंबर दे वन। अब n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए, तो pk प्लस वन क्या होगा दोस्तों, तो pk प्लस वन क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ऐसा करते करते हमको k प्लस वनथ टर्म चाहिए। लेकिन k प्लस वनथ टर्म से पहले हमें kth टर्म भी मिलेगी। 1 प्लस टू प्लस थ्री अप टू वॉट, अप टू k, ये kth टर्म होगी। इसके बाद अगली टर्म आएगी, जैसे हम लिखते हैं ना थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगी इसकी, पी थ्री मान लीजिए, पी थ्री लिखा हमने, तो पी थ्री में क्या लिखना पड़ेगा हमें, ये लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लिखना पड़ेगा, सेकेंड लिखना पड़ेगा, फिर हमारी थर्ड आएगी पी थ्री में। पी फोर लिखेंगे तो फोर्थ डायरेक्ट नहीं आएगी, पहले फर्स्ट आएगी, सेकेंड आएगी, थर्ड आएगी, फिर फोर्थ वाली आएगी। तो उसी तरीके से पी के प्लस वन में पहले फर्स्ट आएगी, सेकेंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू केथ, और उसके बाद अगली आएगी आपके पास के प्लस वनथ। वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू, अप टू। अब आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज़ है, ये ऊपर वाली सीरीज़ देख लीजिए, मेन सीरीज़ वन अपॉन, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो वन होगा। इसमें वन प्लस टू है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है तो तीन तक गई है। अगर ये nth टर्म है तो ये अप टू n तक गई है। ये kth टर्म है तो अप टू k तक गई है। ये है आपकी k प्लस वनथ टर्म, तो ये जाएगी k प्लस वन तक, k प्लस वन तक। इसमें भी पहले k होगा, बाद में कौन होगा, k प्लस वन, तो ये k प्लस वन तक जाएगी। राइट साइड में n की जगह हम k प्लस वन लिख देंगे, 2 इंटू के प्लस वन अपॉन के प्लस वन प्लस वन, यानी k प्लस टू। ये पी के प्लस वन है। अब पी के प्लस वन में यहाँ से लेके यहाँ तक का सम, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम हम वन से लेते हैं। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का सम हमने वन से लिया तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, पी के प्लस वन की लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का सम हमने इससे लिया, टू के अपॉन के प्लस वन, डायरेक्ट ले लिया, ये टू के अपॉन के प्लस वन, प्लस ये टर्म हमने उसमें ऐड कर दी, वन अपॉन वन प्लस
टू प्लस थ्री अप टू व्हाट, अप टू के प्लस वन, ये टर्म हमने उसमें ऐड कर दी। अब अगर ये और ये ऐड करने से डायरेक्ट अगर ये मिलेगा, अगर ये डायरेक्ट मिलेगा तो इसका मतलब है जो हम ये वैल्यू लेके आए थे ये वैल्यू सही है। तो ये वैल्यू सही है तो देखते हैं, 2k अपॉन k प्लस वन प्लस वन अपॉन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है k प्लस वन, तो ये ap के सम का फॉर्मूला लगेगा, k प्लस वन बाय टू, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये आपने ap का सम देखा होगा, सम ऑफ nap, क्या होता है सम ऑफ nap, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म एल लास्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म है वन, लास्ट टर्म है के प्लस वन। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो देखिए बिल्कुल आसानी से करेंगे आप, चिंता न करें और साथ में बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप आगे के क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। 2k अपॉन k प्लस वन प्लस, ये देखिए इसमें ये 2 जो अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू। आप यहाँ पे एलसीएम ले लें या फिर इसमें से 2 अपॉन k प्लस वन कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। 2 अपॉन के प्लस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा के प्लस, यहाँ 2 अपॉन के प्लस वन कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन के प्लस टू। अब एलसीएम लेंगे, 2 अपॉन के प्लस वन, इसका एलसीएम आएगा के प्लस टू, के इंटू के प्लस टू, के इंटू के प्लस टू, तो चाहे तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें और प्लस वन। ये आप देखिए के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका के प्लस वन होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप देखें के प्लस वन होल स्क्वायर, के प्लस वन के प्लस टू, ये के प्लस वन से के प्लस वन कैंसिल हो गया। अब जो पी के प्लस वन का यहाँ पर लिखा हुआ आरएचएस था, आप अगर उसको देखेंगे तो वो यही है, यही लिखा हुआ है वहाँ आरएचएस। देखो यहाँ पे भी डायरेक्ट डाल के देख सकते हो, एन की जगह आ जाएगा के प्लस वन, टू विल रिमेन टू, के प्लस वन यहाँ आ जाएगा के प्लस वन मीन्स के प्लस टू, तो आरएचएस आ गया। देयरफोर इसका मतलब हुआ कि पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन ट्रू है, हैंस वी कैन से पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जो हमने देखा। आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं तो एक बार सेल्फ ट्राई करिएगा बिना देखे, और देखिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, जहाँ आपको प्रॉब्लम आए वहाँ वीडियो देख लें। आपको आगे के क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी बेस्ट विशेष है, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और आपके लिए अच्छे से अच्छा लाने की मेरी कोशिश है। आप बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।